आज हमारे स्टूडियो में जिज्ञासु बच्चों की दो टीमें हैं। एक है जगदीश चंद्र बोस टीम और दूसरी है श्रीनिवास कृष्णन टीम। अब बच्चों, हम आज आपके सामने कुछ प्रयोग करके दिखाएंगे। छोटे छोटे प्रयोग हैं और आपको ये बताना है कि वो क्या सिद्धांत उनमें लग रहा है, किस सिद्धांत पे वो कार्य कर रहे हैं। पहले एक टीम से हम पूछेंगे, एक प्रयोग दिखा के पहली टीम से पूछेंगे और उनको 15 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो उस 15 सेकेंड में आप लोग आपस में सोच विचार कर लीजिए कि क्या सिद्धांत लग रहा है और फिर कोई एक उसमें से बच्चा जो है वो बताएगा। 15 सेकेंड के अंदर अगर आप उसका उत्तर नहीं दे पाए तो फिर हम दूसरी टीम से पूछेंगे उसी प्रयोग का सिद्धांत और उनको 5 सेकेंड का समय देंगे। और सही उत्तर के लिए भाई हम कोई अंक नहीं देंगे आपको, क्योंकि ये कोई प्रतियोगिता तो है नहीं, हम सिर्फ शाबाशी देंगे। और अगर आप नहीं बता पाएंगे, आपको नहीं समझ आ रहा क्या सिद्धांत है, तो हम लोग तो हैं आपको बताने के लिए। और पहला प्रयोग जो है वो श्री SP पांडे आपको दिखाएंगे और ये पूछा जाएगा जगदीश चंद बसु टीम से। तो आप लोग तैयार हैं बिल्कुल देखने के लिए? तैयार, देखो बच्चों, ठीक है। ये हमने इस पे कागज से ऐसे कर दिया, ये देखिए ग्लास उल्टा हुआ है, पतला सा कागज है लेकिन वो पानी को रोके हुए, पानी नीचे नहीं गिर रहा, ठीक है, दिख रहा है ना सबको? ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको बताना है। पंद्रह सेकंड का समय है। ये किन अणुओं के बीच में आप बता रहे हैं, किसके अणु के बीच में लग रहा है? पानी के अणु और इसके कागज के अणु के बीच। अच्छा, और आप कुछ बताएंगे? आपको बताना है कुछ और? अच्छा, आप बताइए। ये जो पानी के अंदर ये ग्लास के अंदर पानी है, ये कागज के ऊपर पानी अपना दबाव डाल रहा है और ऊपर से हवा भी इसके ऊपर दबाव डाल रही है। हवा का दबाव तो हर चीज पर रहता है, लेकिन इस पर गिलास पर, इस गिलास के कागज पर हवा का दबाव अधिक है, इसलिए ये पानी ये कागज पतला सा पानी को रोके हुए है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। हवा का दबाव जो है, जब हमने गिलास को उलट दिया था तो नीचे से ऊपर की तरफ इस कागज पर हवा का दबाव पड़ रहा था। पानी जो है दूसरी दिशा में कागज के ऊपर एक दबाव डाल रहा है, ठीक है। अगर पानी का दबाव ज्यादा हो जाएगा तो पानी गिर जाता नीचे। हवा का दबाव ज्यादा है तो हवा पानी को रोके हुए है। इधर दबाव ज्यादा था हवा का, और हवा जो दाब लगाती है उससे इस कागज के ऊपर एक बल कार्य करेगा। बल और दाब में आप समझते हैं क्या अंतर होता है? हवा के दाब को अगर हम ये जो इसका क्षेत्रफल है इतना गोल, इससे गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको? हवा जो बल लगा रही है पानी के ऊपर वो मिल जाएगा। अच्छा, पहली बार जब हमने उल्टा था तो पानी गिर गया था, ऐसा क्यों हुआ था कोई बता सकता है? पहली बार में गिर गया था पानी, कोई भी टीम बता सकती है? पहले क्या हुआ था कि पानी एकदम ऊपर तक नहीं भर पाया था, इसमें एकदम किनारे तक पानी नहीं भरा था, और जब हमने कागज लगाया तो ये जो पानी था, ये जो ग्लास की रिम है वहां पानी था और कागज के बीच में हवा भी थोड़ी थी, तो वो हवा भी नीचे की तरफ एक दाब डाल रही थी और पानी भी दाब डाल रहा था नीचे की तरफ, और वो दोनों दाब मिलकर हवा के दाब से अधिक हो गए थे, इसलिए पानी गिर गया। ये बात समझ में आई? तो ये प्रयोग करिए तो ये सावधानी हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। और हवा तो सभी चीजों पर दाब डाल रही है, आपके शरीर पर भी बाहर से दाब डाल रही है, और जिस दिशा में दाब ज्यादा होगा उसी दिशा में वो वस्तु पिचक भी सकती है। आपके शरीर पे इतना दाब चारों तरफ से पड़ रहा है, लेकिन आपके शरीर के अंदर जो रक्त है, जो खून है, वो बाहर की तरफ एक दाब डाल रहा है, और वो दोनों दाब बराबर हो जाते हैं, इसीलिए आप आराम से खड़े हुए हैं, वरना हवा आपको पिचका दे चारों तरफ से दाब डाल के। समझ में आई बात? अच्छा, अब आप दूसरा प्रयोग देखिए।
ये बच्चों बहुत छोटा सा प्रयोग है, आप देखेंगे गौर से, ये लकड़ी का रॉड छड़ है जिसके आगे रबर के आधे आधे गोले लगे हैं। अब आप इनको गौर से देखें कि इन दोनों गोलों को लेकर के मैं यूं दबा देता हूं, और दबा देने के बाद अब इनको देखिए अलग करने इतनी ताकत लगाने के ऊपर ये अलग होते हैं। फिर से देखिए ये देखिए इतनी ताकत हुई कि निकल गया, ये रॉड अलग होगी। यस, आपको ये बताना है कि जब इन रबड़ के टुकड़ों को हमने आपस में इस तरह से चिपका दिया, ये देखिए इतनी ताकत लगाने के ऊपर निकलता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों इतनी ताकत लगानी पड़ी था? पहले इस सवाल का जवाब वासुकी बताइए। बैठ के बोली, इन दोनों के बीच की हवा निकल जाती है और बाहर से हवा दाब डालती है, इसलिए इनके लगाने में निकालने में हवा दाब डालती, इसलिए क्या हुआ? इसलिए ये हमें हमने पूछा था कि हमको इतनी ताकत क्यों लगानी पड़ी। हाँ, जब हमने इन दोनों को दबाया तो इनके बीच की हवा जो थी वो निकल गई और बाहर से हवा दाब डालने लगी। हाँ? इसलिए ये दोनों आपस में चिपक गए। अच्छा, और इसलिए हमें इनको अलग करने में बल लगाना। ठीक, आप बताइए इसमें इस उत्तर में कुछ संशोधन करेंगे, कुछ सुधार करेंगे और कुछ सुधार करेंगे? सर, जब इन दोनों को एक साथ लगाया गया तो बीच की हवा निकल गई और बाहर की हवा दाब डालने लगी, अंदर हवा नहीं होने के कारण बाहर की हवा का दाब अधिक पड़ा, इसलिए हमको निकालने हवा की दाब के कारण हमें निकालने में बहुत कठिनाई हुई और बल लगाना पड़ा। ठीक है, आप दोनों ही टीमों के जवाब काफी हद तक ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वो क्या? ये बात आपने बिल्कुल सही बताई कि इस रबड़ के टुकड़ों को जो हमने आपस, ये देखिए थोड़ी थोड़ी खाली जगह है, हमने जो इसको कसके इनको दबा दिया, तो दबा देने से क्या होगा? हवा इनके बीच की निकल गई। हवा जब इनके बीच की निकल गई तो वायुमंडल के कारण या वायु के कारण, जो वायु का दाब है, उस दाब के कारण इधर से भी बल आरोपित हो रहा है और इधर से भी बल आरोपित हो रहा है। ये दोनों बल, ये बल इधर से लग रहा है, ये बल इधर से लग रहा है, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? इसको चिपका दे रहे हैं। अब इनको हम निकालना चाहते हैं, तो निकालने के लिए क्या होगा कि इन दोनों के चिपकाने में वायु के कारण जो दाब लग रहा है, उस दाब के कारण जो इन पर बल लग रहा है, उस बल से ज्यादा बल जब हम इसे लगाएंगे तब ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। अब यहां पर जानने की जरूरत यह है कि दाब और बल में संबंध क्या है। तो दाब को इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल के कारण जितना बल आरोपित होता है उसे हम दाब कहते हैं। तो जब इकाई क्षेत्रफल पर जितना बल लगता है उसे हम दाब कहते हैं, तो बल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल को हम काहे से गुणा कर दें? वायु दाब से। जितना ही बड़ा इसका क्षेत्र, यही गोला अगर हम काफी बड़ा ले लेते, काफी बड़ा ले लेते, तो बहुत ताकत लगाने के बाद भी हम इसको अलग नहीं कर सकते। क्यों? कि उस पर इतना ज्यादा बल हो जाएगा कि उतना बल हम हाथ से लगा ही नहीं पाएंगे, और ये गोले आपस में, ये दो अर्ध गोले हैं, ये दोनों आपस में अलग नहीं हो सके। इसीलिए ये इसका नाम ही यही रखा गया है, निर्वात लिफ्टर, यानी चीजों को हम उठाने के लिए भी इनका प्रयोग कर लेते हैं। देखो ये इसको लगा दिया, ये यहां पर, ठीक है। तो बच्चों, हमने आज आपको दो तीन प्रयोग करके दिखाए, इसी तरह के प्रयोग हम आपको आगे भी दिखाएंगे, कल भी दिखाएंगे, आप उनको देखें, समझें, और ये इनके सिद्धांत, किन सिद्धांतों पर ये कार्य करते हैं, उनको समझने की और बतलाने की कोशिश